तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत अच्छा सा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो फिर वीडियो पूरा जरूर देखिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर, रेड कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं सिमसिम स्टोर पे भी हूँ, छवि स्टोर के नाम से आप चाहो तो वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चल बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो हाँ, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वैसे अगर आप करते हो तो वाकई जो हम लेडीज में जो परेशानी होती है, जो छोटे छोटे हमें लगता है कि बहुत छोटी छोटी परेशानी है, लेकिन यही परेशानी जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती है और हम सब उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर हम उसको, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वैसे अगर आप करते हो तो हमारी वो जो परेशानी है, छोटी 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 सी जो परेशानी है, कभी बड़ी नहीं होगी और वो छोटी परेशानी भी नहीं होगी। तो सिंपल आपको मैं बताती हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको, जब भी लेडीज़ रिलेटेड टॉक करती हूँ, जब भी मैं कुछ महिलाओं की बात करती हूँ, तो मैं उसमें हमेशा बताती हूँ कि हमें जो है सो अपने जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उसकी जो है सो कि उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, यानी कि उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है सो कि बीमारी जो है वहाँ से ही शुरू होता है। सिंपल जो जिसको हम बहुत इजी लेते हैं, जो मोस्टली जो लेडीज़ जो होती हैं वो आफ्टर डिलीवरी के बाद उनको ये परेशानी होती है, या फिर शादी के तुरंत बाद, आप मैक्सिमम लेडीज़ को देखो, आप देखेंगी कि शादी के तुरंत बाद जो है उन्हें इक्वलाइज हो जाता है, यानी कि उन्हें देखोगी वो इक्वल। पूछोगी आप जनरली, आप अपने फैमिली में अगर आपकी किसी की शादी हुई है या फिर किस कुछ भी आप सुनोगे कि हाँ भाई तो क्या, तो उसको इक्वलाइज हो गई। तो इक्वलाइज कैसे हो गया, मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल में बताई हुई थी, फिर भी मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। वो अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं, यानी कि जब उसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो वो फिर इकोलाई एक तरह का एक छोटा सा कीड़ा होता है। अगर किसी को इकोलाई है और अगर वो यूरिन पास करके बाहर निकला है और वो फ्लश नहीं चलाया और हम जाते हैं और उसी के यूरिन पास किए हुए के ऊपर में फिर से बैठ जाते हैं, कमोड हो या इंडियन हो, किसी के भी ऊपर, वेस्टर्न या इंडियन किसी के भी ऊपर, तो हमें भी वो हो जाता है। इसलिए सिंपल कि जब भी आप अपने घर में भी हो या फिर बाहर अगर आप जाते हो, तो जब भी आप जाते हो तो पहले सिंपल फ्लश जरूर चला दें, फिर आप जाकर के उस पर अपना यूरिन जो है जो भी है आप पास करें। तो एक सिंपल चीज़ है। और उसके बाद मैं एक आपको जो हम लोग बोलते हैं कि फेस के ऊपर जो है वो सोप फ्री जो है सो कि यूज़ करते हैं, कि मीन्स जिसमें साबुन ना हो, सोप फ्री फेस वॉश लेते हैं, सोप फ्री जो है सो कुछ भी देखते हैं, कुछ भी कोई भी मोस्टली अगर फेस वॉश लेते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सोप तो नहीं है ना, साबुन सोप फ्री देखते हैं तब उसको लेते हैं, है ना। तो फिर हम अपने प्राइवेट पार्ट में सोप को क्यों लगाते हैं, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट अगर लेडीज़ का होता है तो वही होता है, ठीक है ना। तो मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको वो प्रोडक्ट आपको दिखलाती हूँ। मैं आपको प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि आप वो प्रोडक्ट यूज़ ही करें, लिंक मैं जो भी दिखलाऊंगी सबके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सारे प्रोडक्ट जो है बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मैं उसको खुद यूज़ करती हूँ तभी मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप उसको यूज़ करें। क्योंकि जब हम अपने फेस के ऊपर में साबुन नहीं लगाते तो हम अपने प्राइवेट पार्ट पर साबुन क्यों लगाएं। और जो हमारी बहुत क्या परेशानी देखोगे कि जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो टीनेजर्स का देखोगे या फिर जो जिनकी डिलीवरी होती है उनका आप देखोगे, या फिर जो हम जो नॉर्मल जो लेडीज़ होती है ना वो टीनेजर्स होती है ना वो बच्चे को जन्म दी होती है, जो नॉर्मल जो एज की जो लेडीज़ होती हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो उनका भी होता है कि चिपचिपापन रहता है प्राइवेट पार्ट में, वो हमेशा जो है सो कि ड्राई फील नहीं करती, हमेशा लगता है उन्हें कि मेरा जो है सो कि वो गीला है पार्ट, जो है हल्का गीला है। वो सब क्यों होता है, वो हल्का सा इन्फेक्शन की वजह से वो सब होता है। तो उन सब से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड जो है अवेलेबल हैं, उसमें से एक ब्रांड मेरे पास भी है,
उसकी मैं आपको बताती हूँ। आज जो मैं जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ वो है एवरटीन, देख रहे हैं ना आप। ये एवरटीन का इंटीमेट वॉश है, ये स्पेशली जो है ये विथ योगर्ट है। एवरटीन का ये देखिए आप, एवरटीन का इंटीमेट वॉश है विथ योगर्ट है, जो सिर्फ टीनेजर्स के लिए बना हुआ है, जो यानी कि जो टीनेजर्स होती हैं, जो जो मतलब आप रख लो टीनेजर्स तो वैसे बोलते हैं कि 13 to 18 की हैं तो टीनेजर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है जब आपकी बच्ची की उम्र जो है 10 साल की हो जाती है उसके बाद से आप ये उसको आप उनको उसको अगर बुद्धि हो गई है अच्छे से कि अपने खुद से सोप वगैरह अगर वो यूज़ करती है तो आप आराम से उसको ये दे सकते हो यूज़ करने के लिए। तो योगर्ट क्या करता है, बहुत सॉफ्टली जो है आपके जो प्राइवेट पार्ट जो होता है उसको वो, अगर आपका प्राइवेट पार्ट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसका कलर भी थोड़ा कम है तो उसको भी योगर्ट जो है वो थोड़ा सा निखारता है, उसका भी काम करता है। प्लस ये 100% नेचुरल जो है सो की एक्टिविटीज़ से बना हुआ है, सोप फ्री है, SLS फ्री है, SLES फ्री है, जेंटल येट इफेक्टिव है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि आपके बच्ची का जो है कोई भी स्किन टाइप हो वो सबके स्किन टाइप को ये सूट करने वाला है, तो बहुत बेहतरीन है। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, जहाँ तक कि अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो ये 105 ml के पैकेजिंग में है और इसका प्राइस जो है वो 210 है, 210 रुपये का ये है। ये आपको ऐसे आता है सिंपल, ऐसे पंप में आता है, जब आपको यूज़ करना है तो बस इसको ऐसे फ्रंट में ऐसे कर लेना है आपको, उसके बाद आपको पंप ले लेना है, अपने पाम में थोड़ा सा ले लेना है, उसके बाद इसको अपना जो जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर आपको कैसे हम लोग जैसे साबुन लगाते हैं, साबुन को तो हमें घिसना पड़ता है, इसको घिसने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आपको अपने प्राइवेट पार्ट में लगाना है, लेकिन सफाई करनी है प्राइवेट पार्ट की, और उसके बाद जब आप नहा लेते हो उसके बाद उसको जैसे अपने बॉडी को ड्राई करते हो वैसे ही ड्राई करके और आपको निकल जाना है। इसको आपको दो बार यूज़ करना है, मॉर्निंग में शावर लेने के पहले और फिर नाइट में जब आप सोने आते हो, मीन्स सोने आने के पहले जो है आपको फिर से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है अच्छे से, उसके बाद उसको ड्राई करना है, फिर आप सोने आ जाइए। ये जो जो आप देख रहे हो विथ योगर्ट, जो ये जो है सो कि ये टीनेजर्स के लिए बनाया गया, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो ये सूट करेगा। तो ये जो है वो आपको दो साइज में मिलता है, ये वाला ये 105 ml में आपको मिलेगा और ये जो है 210 ml में मिलता है, तो ये बहुत बेहतरीन है। और 210 ml का जो प्राइस है वो 390 है, सेल्फ लाइफ सबकी 2 ईयर्स की है, तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अगर आप अभी तक अगर अपनी बच्ची को अगर आप साबुन दे रहे हो यूज़ करने के लिए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज से आप साबुन बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप ये प्रोडक्ट, तो आप यही प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर फेथ हो उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट में साबुन लगाना बंद कर दें, बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात हो जाएगी अगर आप प्राइवेट अपने प्राइवेट पार्ट में जो है साबुन लगाना बंद कर देंगे, तो जो भी आपको बाहर के पसंद है वो भी आप यूज़ करो, लेकिन मुझे इस ब्रांड के ऊपर बहुत फेथ है। इसके मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को डेली यूज़ में मैं यूज़ करती हूँ, मेरे जो डेली के मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे या फिर जो मुझे डेली देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सेकंड जो है वो तो टीनेजर्स के बारे में हो गई, सेकंड जो मैं लेकर के आई हूँ ये है फॉर मॉम्स। ये भी दो आपको साइज में मिलेगा, एक 105 ml में और एक ये जो है वो आपको 210 ml में मिलता है। इसका भी सेम पैकेजिंग में आता है जैसे आपको मैं बताई हूँ। सबसे पहले ये भी जो है फील फ्रेश एंड क्लीन इंटायर डे, ये 100% सही है। ये मॉम्स के लिए क्यों बना है, जो हमारे जो हम एक बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारा भी एक नया जन्म होता है, बच्चे को जन्म देना और हमारा भी एक नया जन्म होता है ये गलत नहीं है। एक औरत ही एक जन्म दे सकती है, ये मर्द के बस की बात नहीं है, तो हमें उतनी पावर है, हमें उतनी कैपेसिटी है कि हम एक को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं छोटी छोटी अपनी गलती की वजह से जो है ना अपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते।
आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, बहुत अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कितने सारे स्टिच होते हैं, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी हुआ है, अगर आपका सर्जरी के साथ आपका बेबी हुआ है, तो भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने अपने प्राइवेट पार्ट को जो है सो आप साबुन से धोना बंद कर दें, क्योंकि इन्फेक्शन होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि हमारी वो जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो उस टाइम में बहुत मतलब एक तो लूज़ रहता है, प्लस इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप साबुन यूज़ करते हो तो अगर सोप अंदर चला जाता है तो फिर आप समझ रहे हो ना, तो प्लीज़ उसको आप यूज़ नहीं करें। आप मैं ये आपको रेफ़र कर रही हूँ कि अगर आप एवरटीन का यूज़ करते हो तो आप निराश नहीं होने वाले हो, बहुत बेहतरीन पैक है ये, बहुत बेहतरीन जो है सो की वॉश है ये विथ विच हेजल, ये बहुत बेहतरीन है। ये देखिए ये स्पेशली मॉम्स के लिए बनाया गया है, ये जैसे कि मैं आपको बोली कि ये टीनेजर्स के लिए बनाया गया है, वैसे ही ये स्पेशली ये मॉम्स के लिए बनाया गया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो लास्ट तक बहुत जरूर देखिएगा। ये 100% नेचुरल एक्टिविटीज से बना है, सोप फ्री है, SLS फ्री है, SLES फ्री है, जेंटल येट इफेक्टिव है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि आपकी स्किन टाइप्स कोई भी हो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बच्ची अभी हुई है, आप अगर डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी, ये ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक इसकी बात की जाए तो ये भी सेम आपको इसमें आ जाता है, ठीक है। और ये 105 ml है और ये जो है आपको इससे बड़ा वाला पैकेट आता है। ये मैं यूज़ खुद के लिए नहीं की हूँ, मैं अपनी भाभी को ये गिफ्ट की हूँ, तो मैं ये वाला पैकेट नहीं दी हूँ। मेरी बड़ी ख़राब मतलब मेरी जो मेरी आदत है ना वो मेरी थोड़ी ये ख़राब है कि मैं कोई भी चीज़ का पैकेट मैं बड़ा लेती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा ज़्यादा लास्ट करने वाला है, तो मैं यही सोचती हूँ, तो मैं ये वाला नहीं लेकर के मैं ये वाला ली थी। और ये भाभी मेरी मुझे बोली है कि बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो बस आपको ये करना है, मॉर्निंग में जब आप सार लेते हो, जब आप नहाने जाते हो उस समय आपको वॉश करना है अच्छे से, और फिर जब आप नहाने रात में जब आप बेड पे सोने जाते हो उस समय आपको वॉश करना है, यानी कि दो बार आपको वॉश करना है। जो आप इकोलाई ये सब की जो परेशानी है ना, वाइट डिस्चार्ज, इकोलाई होना, ये सब जो है आपकी परेशानी खत्म होने वाली है अगर आप प्रॉपर केयर करते हो, प्रॉपर सफाई करते हो। तो ये सब बस आपको पाम में लेना है थोड़ा सा, उसके बाद जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसमें अच्छे से आपको लगाना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। अगर आपकी आपके प्राइवेट पार्ट का कलर थोड़ा कम है, बहुत कम होता है, रेजर यूज़ कर लेते हैं या फिर वैक्स करते हैं या फिर अगर आप जो हेयर रिमूवल होता है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा प्राइवेट पार्ट जो है वो थोड़ा सा उसका कलर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये आपके उसकी रंगत को भी निखारने में काम करेगा। ये मैं गौर की हूँ और मुझे ये पता है, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो उसके बाद बात आ जाती है थर्ड की। तो थर्ड जो है ये टीनेजर्स के लिए था और ये था मॉम्स के लिए, और ये जो है हम सब ऐसी लेडीज़ के लिए हैं जो कि ना टीनेजर्स हैं ना न्यू बॉर्न बेबी की माँ है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, तो उन सब के लिए। तो ये जो है आपको एवरटीन नेचुरल इंटीमेट फोम वॉश है, ये फोम बेस में आता है आपको। इसका प्राइस जो है ये भी नेचुरल एक्टिविटीज से बना है, सो SLS फ्री है, SLES फ्री है, एक्स्ट्रा माइल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, 150 ml है और इसका प्राइस 300 है। इसकी भी सेल्फ लाइफ जो है आपको 2 ईयर्स है। की बात कर लेते हैं तो ये है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश और ये जो है 210 ml है और इसका प्राइस जो है 350 है और ये भी इसका भी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। अब इसके सबसे छोटे की बात कर लेते हैं तो ये जो है नेचुरल इंटीमेट वॉश ये आपको जो है सिर्फ 105 ml है, pH बैलेंस्ड है, यानी कि जैसे हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं तो फिर कहते हैं ना कि pH अगर बैलेंस अगर आपका नहीं है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी या फिर आपकी स्किन जो है सो कि बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि रफ़ ड्राई, और अगर ड्राइनेस की वजह से भी आपको इचिंग की परेशानी हो जाती है, यानी कि इच्छा होगी कि हमेशा खुजली करते रहे, है ना, तो ये सब परेशानी आपको ये नहीं होने देने वाला है। इसका प्राइस जो है 180 rupees है और इसका सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। तो बहुत बेहतरीन है, पैकेजिंग सेम है इसका भी,
जैसे इसका भी ये पैकेजिंग में आ जाता है, बहुत इसका लुक भी बहुत खूबसूरत है और बहुत बेहतरीन पैकेजिंग में आ जाता है। मीन्स अगर आपके फैमिली में अगर किसी को ये ऑल स्किन टाइप्स हैं, यानी कि आपके फैमिली में अगर कोई माँ बनी है जो अभी नई नई माँ बनी है, तो उनके लिए गिफ्ट देने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप ज़रूर उन्हें ये गिफ्ट करें, उनके फ्यूचर में उनको कभी कोई परेशानी ना हो उनके लिए ये ज़रूर गिफ्ट करें। अगर आपके फैमिली में अगर कोई टीनेजर है, अगर आपके फैमिली में कोई एक बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो आप उसको ये गिफ्ट कर सकते हो। आप एक बार बताओगे वो बहुत खुश हो जाएगी कि उसके लिए भी कुछ स्पेशल है, ये वो ये सोच के खुश हो जाएगी। मेरी बेटी के पास ये पैक ये है, ये जो है सो कि वो छोटा पैकेट उसके पास नहीं है, ये उसके पास है। और मैं खुद जो यूज़ करती हूँ वो मेरे जो है ऑल मॉम्स मतलब ऑल वुमेन के लिए है, जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो मैं भी ये वाला यूज़ करती हूँ। तो बात कर लेते हैं आज के सरप्राइज़ की, जो मैं स्टार्टिंग में बोली हूँ। तो आज का सरप्राइज़ ये है कि ये है गिव अवे वीडियो, यानी कि आपको अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करते हो, आप जितना शेयर करते हो मेरे वीडियो को, उतना आप गिव अवे के विनर बनते हो। ठीक है, गिव अवे विनर में आपको जो फर्स्ट पांच इस वीडियो में मैं किसी पांच को सेलेक्ट करूंगी जो इस वीडियो के गिववे विनर होंगे। यानी कि सिंपल है, जैसे मैं दो या तीन गिववे विनर चूज करती हूँ, वैसे इस वीडियो के मैं पांच गिववे विनर चूज करने वाली हूँ। और उन सबको उनके एड्रेस पे मिलने वाला है ये एवरटीन का सेनेट्री पैड, एवरटीन की तरफ से ये सेनेट्री पैड उनको मिलने वाला है। और इसके बाद एक और गिववे है, उसके बाद पांच और जो है सो कि लेकिन पांच जो और सेलेक्ट होंगे वो लकी विनर में जो सेलेक्ट होंगे उनको पर हेड 5,000 रुपीज़ मिलने वाला है। उनको 5,000 रुपीज़ का चेक मिलने वाला है जो उनके एड्रेस पर उनके पहुंच जाएगा। तो मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और शेयर आपको करना है, और ये आपको मेरे जो वीडियो शेयर करने हैं वो फेसबुक पे करने हैं, और लिंक डिन करके है उसके ऊपर आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा। तो जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और इस गिववे के विनर होने के लिए सेलेक्ट हो जाइए। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं बोली हूँ उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। पहले खुद की केयर करना सीख जाएंगे तभी हमारी कोई दूसरी केयर करेगा। तो पहले अपने खुद की थोड़ी रेस्पेक्ट करें, पहले अपनी खुद की केयर करें। घर को पूरे घर को हम देखते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, बस कुछ नहीं करना है। अगर छोटे छोटे उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।